आपका वेलकम होता <laughs> एक अजीब सी मुझे ना वो स्मेल सी आती है हेलो जी अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सब लोग अल्लाह पाक का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक ठाक आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा तो जी जईम सलाम कर दें अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम कैसे हैं आप मैं ठीक हूं आप सुनाएं मेरे न्यू चैनल पे आपका वेलकम हो जईम <laughs> मेरे न्यू चैनल पे जईम आज फर्स्ट टाइम आया है तो बस सुबह मॉर्निंग का टाइम है और आज है जुम्मा आप सबको जुम्मा मुबारक तो बस अभी ये जा रहे हैं खैर से अपनी जॉब पे परफ्यूम है परफ्यूम है हाँ। ये, ये है ये 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 किधर हो जाएगा <laughs> तो आज जुम्मा है आज घर में बहुत से काम थे तो मैंने सोचा कि सुबह फटाफट जो है पहले शावर भी ले लेते हैं उसके बाद जो है घर की सफाई भी करवा देंगे नसीन बस आने वाली है तो जी आज सुबह का नज़ारा भी आपको दिखाते हैं क्या सुबह का नजारा कैसे चलो चलिए अंदर चलो 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 चारी 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 चारी। कितनी मिट्टी है ना यहाँ पे कल धोया अभी ये सारा इन्होंने बाइक वगैरह अंदर चलो कोई नहीं झाड़ू लगवा लूंगी से अभी आपको बाहर का दिखाते चलो। चलो, अब मैं जा रहा हूँ ठीक है शाम जो मुलाकात होंगी ओके okay, जल्दी आई अच जा खैर जो मानी चा ओ सिंधी <laughs> मानी चा ठाया मानी में जेको ठा <laughs> जेको ठा <था? आगा। laughs> जेको <laughs> सोच रहे <ले> ना ओके 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 फैट से जाओ खैर से और जी बस यहाँ पे खैर से जईम अपनी ड्यूटी पे बस जा रहे हैं और टाइम यहाँ पे अभी हो रहा है सुबह के पौने आठ मतलब कि आठ बजने वाले हैं और आज थोड़ा सा जईम लेट हो गए हैं वरना इससे पहले जईम सेवन ट्वेंटी तक चले जाते हैं बस अभी अपनी गाड़ी चमका रहे थे मैंने कहा क्या बात है पूरे साल की आज ही चमका लेनी है तो बस जल्दी जल्दी बैठ के शर्मा के चले गए और बस उनके जाते यहाँ पे नसरीन भी आ गई है और हो रही है अब घर की सफाई तकरीबन हो चुकी है बस मोप लग रहा था डस्टिंग भी हो गई थी सब काम हो गए थे और उसके बाद जी मैं आ जाऊँगी किचन में और चाय पीने पर इतना दिल करा था मैंने आज दो तीन दिन से चाय नहीं पी हुई थी बस थोड़े से बर्तन थे उनको मैं सेट कर रही थी और नसी ने कहा भाजी आप छोड़ दें मैं धो देती हूँ हाँ आप ऐसा करें चाय रख दें मैंने आपके हाथ की चाय पीनी है तो मैंने कहा चलो जी हाँ बर्तन धो लो निकी और पूछ पूछ मैं चाय रख देती हूँ तो बस यहाँ पे जी मैं चाय रख रही हूँ और मैंने सुबह उठते जो है ना आज मशीन भी लगा रही थी मैंने था कि आज धूप काफ़ी अच्छी निकली हुई है तो चलो कपड़े भी जो है ना सूख जाएंगे दूसरा इस्तेमाल करता। खुला नहीं मुझे उसमें से स्मेल आती है खुले दूध के अंदर से एक अजीब सी मुझे ना वो स्मेल सी आती है इसलिए डब्बे वाला इंजेक्शन्स लगते हैं ना टीके की स्मेल आती है मुझे उसके अंदर से इसलिए फिर मैं ये ऑल्पर्स नेस्ले या मिल्क पैक ये वाला यूज़ करती हूँ और जी यहाँ पे देखें कितना प्यारा सीन है दोनों अपना अपना जो है ना नाश्ता पानी कर रहे हैं और मुझे ये क्लिप बहुत अच्छा लगा था मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूं तो सब काम जो है यहाँ पे हो गए थे और जब सुबह सुबह सब काम हो जाते हैं ना तो एक से सुकून मिल रहा होता है और आज वैसे भी जुम्मा था और जब मैंने कपड़े वॉश कर लिए तो उसके बाद मुझे ख्याल आया कि उप जुम्मे को तो हम मशीन नहीं लगाते आ, पहले मेरी जो अम्मी हैं यानी कि जो मेरी सास हैं वो मना करती थी और अब मेरे हस्बैंड कहते हैं तो मैं पता नहीं अम्मी ने मना किया भाई जुम्मे वाले दिन कपड़े नहीं लगाते तो मैंने कहा ज़हीम मेरे जहन से पता नहीं कैसे निकल गया जबकि मैं सुबह फजर के टाइम भी उठी थी और मुझे पता था कि आज जुम्मा है और पता नहीं मुझे क्या हुआ मैंने सर्फ डाल के मशीन ऑन कर दी तो मैंने कहा चलो यार अब एक दो बेड हैं वॉश होने वाली मैं वो वॉश कर लेती हूँ तो असर के टाइम असर की नमाज़ के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में और आज कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या बनाऊँ सुबह जही मुझे ही कह के गए थे कुछ भी बना लेना जो मर्ज़ी बना लेना तो कल तो सब्ज़ी बना ली थी तो मैंने सोचा कि चलो यार आज थोड़ी सी सेलिब्रेशन कर लेते हैं हुआ कुछ यूँ कि असर के टाइम मैं क्या देखती हूँ कि माशाल्लाह से मेरे चैनल पे वन के सब्सक्राइबर्स टू डेज़ में हो गए ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी थैंक यू सो मच आप सब का आप सब ने इतना प्यार दिया और जिस जिसको मेरे चैनल का पता लग रहा है वो मुझे सब्सक्राइब कर आए तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज मज़े का खाना हो जाए तो मैंने आज ही पुलाव बनाया है यानी कि चिकन बिरयानी टाइप जो है ना मैंने पुलाव बनाया है उसकी रेसिपी भी मैं शेयर करूँगी और साथ में ही मैंने आज बनाया है मीठा और मीठे में मैंने क्या बनाया है अभी मैं आपको आगे जाकर दिखाती हूँ कि मैं क्या मीठे में बनाने लगी हूँ बस झटपट सा मीठा तैयार करूँगी और अभी जो है मैं तैयारी कर रही हूँ चिकन पुलाओ की तो बस प्याज जो है मैंने रख दिया है गोल्डन ब्राउन होने के लिए और हमेशा हम खुशियों में मिठाई केक किटकेट कैबरी इस तरह की चीज़ें जो है ना हम लोग बाँट रहे होते हैं या आइसक्रीम हम कोशिश कर रहे होते हैं कि भाई इसी चीज़ें से हम ना लोगों के मुँह मीठा करा दें तो मैंने सोचा कि क्यों ना खुशी के मौके पर हम आज कुछ और बनाते हैं तो बस अभी वो आगे आ जाएगा इससे पहले हम यहाँ पे ना थोड़ा सा म्यूज़िक लगा देते हैं यार कब से बड़ी बातें चल रही हैं रेसिपी आपके सामने है आप देखते जाएंगे आपको समझ आती जाएगी और मसाला जो है मैंने शान का डब्बे वाला यूज़ किया है ਸਨਾਜ਼ਕ ਦਿਲ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਨਾ ਯਾਰ ਦੁਖਾਇਆ ਕਰ ਨਾ ਝੂਠੇ ਵਾਦੇ ਕੀਤਾ ਕਰ ਨਾ ਝੂਠੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਇਆ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵਲਵਲ ਨਾ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਕਰ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਯੰਤ ਲਾਇਆ ਕਰ तो ये कितने मज़े का सॉन्ग है ना आज मैं वैसी सुन रही थी तो मेरा दिल किया कि मैं आप सबको भी सुनाऊं कभी कभी जो है ना इस तरह के सॉन्ग्स बड़े मज़े के लग रहे होते हैं तो जी यहाँ पे हम आ जाते हैं अपने पलाओ टाइप बिरयानी की तरफ मेरे ये चैनल पे जो है ना ये फर्स्ट वीडियो है राइस की और उसके बाद आपको मिलती रहेगी मिलती रहेगी मिलती रहेगी तो जी इसके अंदर मैंने प्याज को गोल्डन फ्राई किया उसके अंदर मैंने शाबाद गर्म मसाले ऐड कर दिए लहसुन अदरक और हरी मिर्च की मैंने पेस्ट ऐड की और अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी चिकन चिकन को ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह जो है मिक्स कर लूंगी ताकि एक जो गोल्डन कलर है प्याज का वो चिकन के ऊपर आ जाए व्हाइट वाइट चिकन ना फ्लावर के अंदर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता इवन के कोर में चिकन कढ़ाई में मुझे नहीं अच्छा लगता चिकन गोल्डन गोल्डन ही अच्छा लगता है अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी दही और दही ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर डाल दूंगी शान के मसाले अच्छा जी शान के मसालों का ना आजकल एक प्रॉब्लम आ रही है इतनी ज़्यादा इलायची डाल रहे हैं इतनी ज़्यादा इलायची डाल रहे हैं तो आप पता क्या करना पहले आप ना मैंने तो नहीं किया लेकिन आप ऐसा करना कि जब भी इस तरह से शान के मसाला आप खोलें तो आप अलग से एक प्लेट में निकाल लें उसके अंदर इतनी सारी इलायचियाँ होंगी और उसके बाद जो है ना उसमें से दो चार पाँच छः जितनी भी होंगी अगर आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा लगे तो वो निकाल कर आप चाय वाली पत्ती जो होती है ना उसके अंदर आप उस बॉक्स में डाल लेना ताकि जब भी आप चाय बनाएं तो आपको अच्छा यमी सा टेस्ट आए अगर आपको आ, कार्डिमम टी पसंद है तो मुझे बहुत अच्छी लगती है अगर आपको अच्छी लगती है तो आप आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है और काडिम टी मुझे सबसे ज़्यादा ना मैकडोनल की अच्छी लगती है अच्छा जी यहाँ पे जी हम आ जाते हैं अपने रवायती मीठे की तरफ टेंटर तो जी मुबारक हो आप सबको आप सब ने मेरे यूट्यूब फैमिली होने का हक अदा किया है वन थाउजेंड सब्सक्राइबर्स टू डेज़ में बल्कि अब तो ट्वेल्व हंड्रेड होने लगे हैं थैंक यू सो मच थैंक यू सो 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 मच मैं आप सबका जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है तो इनशाला इनशाला बहुत जल्द बहुत जल्द जो है ना आपको और भी अच्छी अच्छी गुड न्यूज़ सुनने को मिलती रहेंगी तो यहाँ पे जी टमाटर आपको पता है मैं हमेशा इस तरह वाले राइस के ऊपर अलग से डालती हूँ चाहे मटर आलू वाले बनाऊँ पुलाव बनाऊँ कुछ भी बनाऊँ मैं इस तरह से डालती हूँ चने वाले बनाऊँ तो हरी मिर्च मैंने ऊपर इसलिए इसलिए नहीं डाली क्योंकि जब मैं दम लगा लूँगी ना तब डालूंगी अच्छा जी अभी मैं उन चावलों को दमला का दूँगी फूड कलर ऐड करके और यहाँ पे जी ऑयल के अंदर ऑयल आपको ज़्यादा इसलिए लग रहा है कि जो चीनी है ना उसने अपना जो शीरा होता है ना वो भी छोड़ दिया है मेल्ट हो गया है इसलिए आपको क्वांटिटी ज़्यादा लग रही है चीनी मैंने अच्छी तरह जो है मेल्ट कर ली थी लाइट सा ब्राउन शेड आ गया था उसके अंदर मैंने सूजी ऐड की है जितनी सूजी थी उतनी ही जितनी सूजी थी <laughs> ये वो वाली सूजी की बात नहीं हो रही है ये खाने वाली सूजी की बात हो रही है जितनी सूजी थी उतनी ही हमने क्वान्टिटी में शुगर लेनी है बस शुगर आप ना अपनी फिंगर का एक हिसाब रखें कि एक इंच आपने नीचे रखनी है क्योंकि मीठा फिर ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ पे जी शीरा तैयार करने के बाद उसके अंदर मैंने सूजी ऐड कर दी इसके बाद इसको अच्छी तरह मैं मिक्स कर लूँगी और इलायची भी मैंने ऐड कर दी थी तीन से चार और इसके बाद फिर मैं इसके अंदर एक कप हो गया हमारा सूजी का एक कप हो गया हमारा चीनी का और एक कप हमारा एक्स्ट्रा हो गया पानी यानी कि तीन बाउल हमने पानी के ऐड करने हैं जितनी सूजी थी जितना पानी था और और उतनी ही चीनी थी ये तीनों चीज़ें जो हैं हमने इसके अंदर ऐड करनी है अभी मैं, मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और उसके बाद पानी ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह पका लूँगी और जब ये सूजी हमारी फूल जाएगी यानी कि सूज जाएगी और अभी मैं देखें मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है अभी मैंने कम डाला है और अभी मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी और उसके बाद जब हमारा पानी मेल्ट हो जाएगा हमारी सूजी अच्छी तरह पक जाएगी फूल जाएगी और अपना आप छोड़ देगी और यानी कि उसका जो ऑयल है वो भी साइड पे आ जाएगा और अच्छी एक शक्ल आ जाएगी आपको पता लग जाएगा अगर आप हलवा मास्टर हैं तो यहाँ पे देखिए जी यहाँ पे हमारा हलवा मज़े का बन के रेडी हो गया है मैंने इसके अंदर जो है ना एक चम्मच देसी घी का डाला था क्योंकि देसी घी का जो है ना अपना ही मज़ा है हलवे के अंदर और उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ड्राई फ्रूट तो जी आप सब मुँह मीठा कीजिए मुझे पता है मेरे साथ साथ आप सबको भी जितनी तकलीफ हुई थी चैनल की उतनी ही खुशी आज आप सबको भी हुई है मेरे चैनल पे वन के सब्सक्राइबर्स होने की वन के ही बोलेंगे ना हाँ वन के वन के सब्सक्राइबर्स होने की तो थैंक यू सो मच आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया मुझे हिम्मत देने के लिए मुझे हौसला देने के लिए और यकीन करें मुझे बहुत मज़ा आ रहा है आ, ऐसा लग रहा है जैसे कि सब कुछ फिर से स्टार्ट हुआ है और मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ आपको पता है मैं शुरू में एक बात बोलती थी कि यार जो मज़ा चैनल मोनोटाइज करने से पहले आता है ना एक टारगेट मिला होता है ये करना है ये करना है वो मज़ा मोनोटाइज़ होने के बाद नहीं आता तो अभी दोबारा से वही दिन आए हैं मज़ा आ रहा है तो इन शह बहुत जल्द आपको एक गुड न्यूज़ भी मैं बताऊँगी अपने इसी चैनल पर और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जस्ट वॉच कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है यार पैसे तो लगते नहीं हैं देखना भी है आपने अगर आप बेल एक्न मत दबा देंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे तो थैंक यू सो मच <laughs> तो जी यहाँ पे हम अब जी लगाते हैं दम खोलते हैं अपने बिरयानी टाइप पुलाव को और हलवा हमारे बनकर रेडी हो गया था और यहाँ पे जी माशाल्लाह माशाल्लाह बिस्मिल्लाह अब करते हैं और बड़े ही अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स करना है कि हमारा फूड कलर जो है ना वो भी अलग अलग नज़र आए और यहाँ पे देखे जी कितने मज़े के खिले खिले जो है ना चावल बने हैं और मेरी एक सब्सक्राइबर हैं जो कि मेरे घर के पास रहती हैं माशाल्लाह से महीने में ना कई मुझे वो दस खाने जो हैं वो पका के भेज चुकी हैं उनका थैंक यू सो मच बिल्कुल मेरे घर के दो घर छोड़कर रहती हैं तो आज मैं इस खुशी में उनको जो है ये प्लाउ ट बिरयानी भी प्लाउट टाइप बिरयानी भी, भी भेजूंगी और हलवा भी भेजूंगी और सबसे पहले उन्होंने जो है ना मुझे मुबारकबाद दी मेरे वन के सब्सक्राइबर्स जो हैं होने की तो जी थैंक यू सो मच उनके चैनल का नेम है लिटल बादशाह तो थैंक यू सो मच आपकी इतनी मोहब्बत का आप मेरा इतना ख्याल रखती हैं स्वीटी कहाँ पर हो मैंने ये पकाया है बच्चे आ रहे हैं देने के लिए तो थैंक यू सो मच के आपकी वजह से भी जो है ना बहुत ज्यादा मुझे हिम्मत मिली है तो जी यहाँ पे मेरा आज का व्लॉग जो है होता है दी एंड आज का व्लॉग आप सबको अच्छा लगा हो तो आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है और अभी ये व्लॉग दी एंड करने के बाद जो है मैं जाऊँगी मामा पापा की तरफ और वहाँ से भी आधा व्लॉग बना कर लेकर आऊँगी जो कि कल इन शाला मैं आपके साथ शेयर करूँगी और अब मुझे दीजिए इजाज़त जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जाते जाते मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और जी लाइक करना मत भूलिएगा अगर आप लोग मेरी वीडियो को देखते हैं तो सबसे पहले लाइक किया करें ताकि मेरी वीडियो اگے ریڈ کمنٹ ہو دوسرے لوگوں تک پہنچے اور میرے چینل پہ اچھے اچھے ویوز ائیں تو جی اپ دیجئے اجازت اپنی دوام میں رکھیے گا یاد اللہ حافظ سجڑا وے اجا مڑ چھتی نی اونٹیکا تیریاں تبدا پھرے گا پھر لبدیاں تینو میوٹی دیا تیریاں اپنے تن دی خبر نہیں سجن دی